सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नागपुर के बाद अकोला में दो दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं पर छूट रहेगी। पिछले 24 घंटे में 435 नए मामले सामने आए हैं। तो देश के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप है, उनमें महाराष्ट्र के 8 जिले शामिल। और ये केस जो है, ये रूस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी से मिले नए मामलों से ज्यादा है। एक महीने के अंदर राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में हालत अब गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज की गई है, लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना के मामलों में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 57 मरीजों की जान गई है। लातूर जिले में 44 बच्चों को एक साथ हुआ कोरोना। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस। ये संख्या कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल रूस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में मिले नए मामलों से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में 10 मार्च को 12,246, रूस में 9,079, ब्रिटेन में 5,926 और स्पेन में 6,672 मरीज मिले। इस लिहाज से ये सभी देश महाराष्ट्र से पीछे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। नागपुर के अलावा कुछ जिलों में भी प्रतिबंध लगाने शुरू किए जा चुके हैं। अमरावती, पुणे, जलगांव जैसे जिलों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। औरंगाबाद में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।